गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 ऑफ चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अ फार्मर हैज इनफ फूड फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डे। सो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। एक फार्मर के पास इनफ फूड है कि वो 20 एनिमल्स को फीड कर सकता है 6 डेज के लिए, ठीक है। तो अगर उस 20 एनिमल्स में 10 मोर एनिमल्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो कितने दिनों तक उन एनिमल्स को फीड कर पाएगा? जब 10 एनिमल्स और ऐड कर दिए, 20 तो थे उसमें 10 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 30। अब वो 30 एनिमल्स को कितने दिन तक फूड दे पाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लेट करा कि लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, कि जो नंबर ऑफ डेज है वो एक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हो गए? 20 तो पहले थे ही, उसमें 10 और ऐड हो गए। नाउ टोटल नंबर ऑफ एनिमल इज 30। सो देखो 20 एनिमल्स को वो कितने दिन फीड कर रहा है? 6 डे फीड कर रहा है। सो 30 एनिमल्स को वो कितने दिन फीड करेगा, ठीक है। सो हियर बॉक्स कितने हैं? बॉक्सेस 25। हाउ
फाइंड कर सकते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15. तो दैट मींस 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड. कितने बॉक्सेस फिल्ड होंगे? 15 बॉक्सेस फिल्ड होंगे. सो आंसर इज 15. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. So how many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? Ek factory mein 42 machines required the to produce a number of given number of articles in 63 days. ठीक है, 42 machines required होती हैं number of articles को produce करने में कितने दिन में? 63 days में. So how many machines would be required to produce the same number of articles? ठीक है, number of articles remain the same, है ना? इतने numbers of articles को produce करने में जो कितने हैं? 54. ठीक है, तो 54 days में, तो 54 days में same number of articles को produce करने में कितनी machines की requirement होगी? We have to find this. So देखो, here the number of machines and the number of days are इन इनवर्स प्रपोर्शन. किसमें? इनवर्स प्रपोर्शन में अगर मशीन क्या है, कम है तो दिन ज्यादा लग रहे हैं, और अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं तो मशीन कम है. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी इनवर्स प्रपोर्शन हो गई. तो 63 डिवाइडेड 54 इक्वल्स टू x डिवाइडेड 42. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आएगी? 63 इंटू 42 डिवाइडेड 54. तो सॉल्व करें तो एक्स के लिए कितने आ गए हमारे पास? 49. सो कितनी मशीन रिक्वायरमेंट होगी? 49. देखो, जब मशीन कम है तो दिन ज्यादा लग रहे हैं. कितने लग रहे हैं? 63 दिन लग रहे हैं गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में. पर अगर मशीन ज्यादा है, कितनी है? 49 है, तो जो नंबर ऑफ डेज है वो कम है. कितने? 54. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज. फिट करने के लिए कितने
रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर एक पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टू हैं, जो कि तीन दिन में क्या करते हैं, विंडो को फिट करते हैं, उसमें से अगर एक पर्सन क्या हो गया, बीमार पड़ गया काम शुरू होने से पहले, तो अब कितना टाइम लगेगा काम खत्म होने के लिए। देखो लेट द नंबर ऑफ डेज हमने मान लिए एक्स, दो पर्सन थे जो तीन दिन में काम खत्म कर रहे थे, उसमें से एक पर्सन बीमार पड़ गया, कितने बचे, एक पर्सन बचा, तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ठीक है। सो देखो नंबर ऑफ पर्सन किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए, नंबर ऑफ डेज के, ठीक है। अगर पर्सन क्या है, कम है तो क्या कर रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, और पर्सन ज्यादा होता तो समय कम लगता। नाउ टू डिवाइडेड बाय इक्वल्स एक्स डिवाइडेड थ्री, सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिक्स आ गई। तो कितने डेज लगेंगे, सिक्स डेज लगेंगे अगर एक पर्सन बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।